इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की डेफिनेशन है, इट इज द फिनोमेना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी इन अ मीडियम ऑन अकाउंट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव फ्रॉम टू कोहरेंट सोर्सेस। मतलब मान लो दो सोर्सेज हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया था अपने एग्जाम्पल में, लास्ट लेक्चर में यही किया, दो सोर्स लेता था मैं और दो सोर्स से लाइट निकलती थी। जो दो सोर्स हैं वहां से लाइट निकलती थी तो स्क्रीन के ऊपर कभी कभी ब्राइटनेस का पॉइंट या मैक्सिमा का पॉइंट था, कहीं पर मिनिमा का पॉइंट था। मतलब कहीं पर क्रेस्ट क्रेस्ट पे गिर रहे, ट्रफ ट्रफ पे गिर रहे और कहीं पर क्रेस्ट ट्रफ पे गिर रहे, तो मुझे तो पता नहीं क्या होगा किसी भी पॉइंट पे। तो ये क्या हो रहा था? सुपरपोजिशन। तो लाइट यूनिफॉर्मली स्क्रीन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रही थी। कैसे हो रही थी? मान लो एक स्क्रीन है, इस स्क्रीन पे दो लाइट्स गिर रही हैं, तो कायदे से तो डार्कनेस होनी ही नहीं चाहिए, पर हो रही है क्योंकि लाइट का कुछ हिस्सा दूसरे हिस्से से क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है, मींस मिनिमा जनरेट कर रहा है, इसलिए वहां पर डार्कनेस हो रही है। तो होना यह चाहिए था कि दो दो लाइट्स हैं स्क्रीन के ऊपर, एनर्जी ऐसी होनी चाहिए थी, एक पॉइंट पर 10 इंटेंसिटी 10 है, दूसरे पॉइंट पर इंटेंसिटी 10 है, फिर 10 फिर 10 फिर 10 फिर 10 फिर 10, पर गिरी कैसे? एक पॉइंट पर 10 नहीं, 20 गिर गई, क्योंकि क्रेस्ट क्रेस्ट पे गिर गया, 20 गिर गई। दूसरे पॉइंट पर क्रेस्ट ट्रफ पे गिर गया, 0 हो गई। अगले पॉइंट पर क्रेस्ट ट्रफ पे गिर गया, 20 हो गई, अगले पॉइंट पर 0 हो गई। तो मेरे पहले एग्जांपल में कह रहा था एनर्जी 60 ही है टोटल, 10 10 10 10 10 10, पर गिरी कैसे? 20 0 20 0। लाइट की एनर्जी बड़ी नहीं कम नहीं हुई, तो क्या हो गई? री डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो कहीं पर क्या हो गया? ब्राइटनेस के पॉइंट आ गए और कहीं पर डार्कनेस आ गई। समझ में आ रहा है यहां तक? तो ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, बिकॉज ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? सुपरपोजिशन हुआ लाइट का, इट इज नोन एज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। और इसके अंदर ऐसा तभी पॉसिबल है जब लाइट का एक हिस्सा क्रेस्ट दूसरे ट्रफ को पूरी तरह कैंसिल कर सके, जब एम्पलीट्यूड दोनों वेव्स का एग्जैक्टली सेम हो। एक क्रेस्ट अगर 2 सेंटीमीटर का है तो ट्रफ भी 2 सेंटीमीटर का है, तभी आपस में कैंसिल करके डार्कनेस आएगी, राइट? तो ऐसा करने के लिए आपको सोर्सेस क्या चाहिए? आइडेंटिकल, सिमिलर, ताकि एम्पलीट्यूड दोनों वेव्स का एग्जैक्टली सेम हो। तो आइडेंटिकल सोर्स को फिजिक्स में क्या बोलते हैं? कौन से सोर्स हैं? कोहरेंट। तो कोहरेंट सोर्स का मतलब एकदम आइडेंटिकल सोर्स लेने पड़ेंगे, राइट? तो किन्हीं पॉइंट्स पर, वेयर रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, जहां पर ज्यादा लाइट गिरी मैक्सिमा, तो उन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस क्या हुई वहां पर? कंस्ट्रक्टिव हुई, वहां ब्राइटनेस का पॉइंट आया। और किन्हीं पॉइंट्स पर, वेयर रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मिनिमम, जाके कैंसिल हो गया एम्पलीट्यूड, तो वहां पर क्या हुई? कौन सी इंटरफेरेंस है? डिस्ट्रक्टिव, वहां पर मिनिमा का पॉइंट आएगा। क्लियर है यहां तक? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस ऑफ